हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीपल कंपनी के रिजल्ट। कुछ मेन कंपनीज है जिनके रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, और जब आ जाएंगे तो कल की डेट में या फिर आज की डेट में अपडेट कर देंगे। अदरवाइज बात करें और दूसरी कंपनीज की जिनके रिजल्ट आ गए, उससे रिलेटेड बातें कर देते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर बात करें, यहाँ पर अभी एक ब्रेकआउट स्टॉक है उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा, 50% के अपसाइड्स में दिख रहे हैं। एज वेल एज बात करें यहाँ पर पॉलीमेडिक की, और यहाँ पर एक कंपनी है इसके रिजल्ट आए थे, इससे रिलेटेड बातें करी है। और अगर बात करें यहाँ पर कुछ स्टॉक से रिलेटेड जिनके रिलेटेड हमने कुछ वीडियो बनाई थी, सारे आज भागते हुए नजर आए थे, तो उनसे रिलेटेड बातें करी है। इसके अलावा दो स्टॉक ऐसे बताए जो आपको अच्छा खासे गेन दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिन वीडियो से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, देखिए MGL और ADF फूड, उनके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, अदरवाइज मैं आपको उनसे रिलेटेड बताया था। बट इंडिया सीमेंट लिमिटेड, आपको बताइए राधा कृष्ण दमानी सर जो डीमार्ट के ओनर हैं, उनके यहाँ पर होल्डिंग है अच्छी खासी। यहाँ पर अगर बात करते हैं इसमें तो ₹1 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करती हुई दिखाई दी है। अगर यहाँ पर इनके रिजल्ट से रिलेटेड बात करते हैं, इन करोड़्स में यहाँ पर दे रखा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इनकम 1461 करोड़, इससे पहले 1162, इससे पहले 1170 करोड़ के आसपास है। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 1363 करोड़, इससे पहले 1074, इससे पहले 1240 करोड़ के आसपास यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर देखिए 71 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 62 करोड़ का, इससे पहले 111 करोड़ का नेगेटिव में यहाँ पर प्रॉफिट था, अगर लॉस था कह सकते हैं। अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने तब भी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। EPS की बात करें, ₹2.32 का EPS इस बार, ₹2 का पहले था, और ₹4.12 का इससे पहले EPS था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी की तरफ इंडियन सीमेंट इस कंपनी का नाम है। यहाँ पर ये स्टैंड अलोन, यहाँ पर अगर बात करें ये स्टैंड अलोन रिजल्ट थे, कंसोलिडेट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको कंसोलिडेट रिजल्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं बालाजी अमाइंस, तो बालाजी अमाइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा ये स्टॉक कुछ टाइम पहले भागता हुआ नजर आया था, और ये अच्छा इससे रिलेटेड एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट शायद अच्छे ही आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ₹4 का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की, ये भी स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं, इन लैक्स में है। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37,671 लाख रुपीज़, से पहले 36, से पहले 23। तो ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, 26,892, से पहले 27,532, से पहले 19,250। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें दिखाई देगा NPAT, जो कि आप देख सकते हैं 7,923 करोड़ का, सॉरी लैक्स रुपीज़ का प्रॉफिट लगभग 8,000 लैक्स रुपीज़, से पहले 7,000, से पहले 3,235 लैक्स रुपीज़। तो ईयरली बेसिस पे लगभग 3 times कह सकते हैं, और बात करें यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा यहाँ पर जंप है। तो कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश करे, जो कि इनका EPS भी बता रहा है, ₹24.45 का EPS इससे पहले इस बार है, ₹21 का इससे पहले था, ₹9 का इससे पहले यहाँ पर EPS था। तो कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे बालाजी अमाइंस। एज वेल एज बात करते हैं दूसरी कंपनी बारबेक्यू नेशन, अभी लिस्टेड हुई थी बारबेक्यू नेशन, आपको पता ही है फास्ट फूड चेन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इस कंपनी की, ओके, तो यहाँ पर आपको पता ही राकेश झुनझुनवाला का भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक है इस कंपनी में। तो यहाँ पर अगर हम नीचे चले जाते थोड़े, तो यहाँ पर रिजल्ट्स हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख लिए इन मिलियंस में रिजल्ट है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं इस बार के Q3 के Q4 के रिजल्ट लास्ट ईयर के हैं। टोटल रिवेन्यू की बात करें, 2,370 लाख रुपीज़, से पहले 2,034, से पहले 1905। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पर अच्छा खासा परफॉर्म किया। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1808, इससे पहले 1536, इससे पहले 1659। तो यहाँ पर मिलियन से रुपीज़ यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए क्वार्टरली ईयरली बेस पे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात कर लेते हैं तो देख लिए 64 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले कंपनी माइनस में थी 13 मिलियन रुपीज़, से पहले 278 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर नेगेटिव में परफॉर्मेंस है। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो इसकी तरफ आप देख सकते हैं। ओके, ये शेयर कल की डेट में शायद आपको और भागता हुआ दिखाई देगा। EPS देखिए नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव में, ₹1 लगभग 1.9 रुपीज़ का यहाँ पर EPS होता हुआ दिखाई देगा।
दे रहा है। तो कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट अभी तक सारी कंपनी ने किए हैं। आदित्य बिरला की बात कर लेते हैं, आदित्य बिरला ग्रासिम कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट है। यहाँ पर अगर बात करते हैं इन्होंने डिविडेंड दिया है कि नहीं, हाँ यहाँ देख सकते हैं ₹5 का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। और अगर हम देखते हैं तो ये इस बार के Q3 या Q4 के रिजल्ट, टोटल इनकम की बात करते हैं 4463 करोड़, इससे पहले 3760, इससे पहले 3785। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3851 करोड़, इससे पहले 3300 करोड़, इससे पहले 3662 करोड़। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। टोटल अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 480 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। इससे पहले 357 करोड़ था, इससे पहले 353 करोड़ का। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹7 के आसपास का ईपीएस अभी है, इससे पहले 5 का था, इससे पहले 4 का। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, अभी तक सारी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जेके पेपर लिमिटेड की बात करते हैं तो जेके पेपर ने भी यहाँ पर ₹4 का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। पेपर कंपनी देखिए स्टॉक ज़्यादा कभी बीच में भागते कभी नहीं भागते, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्कूल वगैरह सारे बंद है, और आपको बताइए स्कूल्स में और ऑफिसेज में ही यहाँ पर पेपर ज़्यादा लगते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट की, इन करोड़ में यहाँ पर ये सारे पैरामीटर है। टोटल इनकम की बात करते हैं 913 करोड़ है, इससे पहले 760, इससे पहले 748। तो कंपनी ने इनकम जो टोटल हुई है वो अच्छी खासी हुई है इस बार क्वार्टरली ईयरली बेस पर। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं 727 करोड़, इससे पहले 622, इससे पहले 614 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो 128 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 100 करोड़, इससे पहले 91। तो कंपनी ने यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर दिया दैट ही इज द किंग ऑफ दैट कंपनी इन द मार्केट। तो अगर बात करें बेसिक की, बेसिक ईपीएस तो ₹7.47 का ईपीएस, इससे पहले ₹5.80 का, इससे पहले ₹5.13 का ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है जेके पेपर। एज वेल एज बात करते हैं ये फार्मेड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आई थिंक कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम रिजल्ट से रिलेटेड सीधे बात करते हैं तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 128 लैक्स का यहाँ पर टोटल इनकम हुआ है, 347 है, इससे पहले तो दिखाया ही नहीं था, शो ही नहीं किया, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बड़ा बेकार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस घटता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेसिस पे भी। यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट टोटल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी ने शो टैक्स एक्सपेंसेस एक मिनट रुकी है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसिव 186 है, इसे 339 था, इससे पहले 3.6। मतलब अगर बात करें एक्सपेंस क्वार्टरली बेसिस पे तो घट रही है, बट ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए, तो 4 लाख रुपीज़ का यहाँ पर 4,30,000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 97,000 का प्रॉफिट था, इससे पहले 37,27,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। मतलब कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पे क्वार्टरली बेस पे अच्छा परफॉर्म किया, बट ईयरली बेसिस पे भारी भयंकर गिरावट है, जो कि इसका ईपीएस भी बता रहा है कि 4 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 1 पैसे का था, इससे पहले 36 पैसे का था। तो कंपनी से थोड़ा दूर रही है, कंपनी के रिजल्ट में कुछ दम नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं रामको सीमेंट, तो देखिए यहाँ पर रामको सीमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने ₹3 का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पेश करते हुए दिखाई दिए कंपनी ने। और अगर हम यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं तो कंपनी के रिजल्ट इन लैक्स में है, स्टैंडर्ड अलोन रिजल्ट है ये इस बार के Q3 के Q4 के लास्ट ईयर। टोटल इनकम की बात करें तो 1,64,045 लाख रुपीज़, इससे पहले 1,35,000, इससे पहले 1,40,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। टोटल एक्सपेंस भी देखे तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1,29,000, 1,04,000, 1,21,000। तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे टोटल एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 21,436 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, इससे पहले 20,714,617 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, जो कि इसका ईपीएस भी शो कर देगा। ईपीएस ₹9 का ईपीएस, इससे पहले 9 का, इससे पहले 6 का ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश करे, तो रामको सीमेंट की तरफ आप नजरें बना के रख सकते हैं। इसके अलावा रामको इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके रिजल्ट भी है। ईपीएस डिविडेंड की बात करें, ₹1 का यहाँ पर डिविडेंड दिया है,
अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसके रिजल्ट स्टैंड अलोन रिजल्ट है इन लैक्स में, तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 29,371 लैक्स के यहाँ पर टोटल इनकम इस बार की, 26,000 इससे पहले की था, इससे पहले 20,000 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम थी। तो क्वार्टरली ईयरली बेस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अदर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 25,891 लैक्स का यहाँ पर इस बार एक्सपेंस हुआ, इससे पहले 21,806 था, इससे पहले 19,546 था। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए हमें साफ नजर आ रहे हैं क्वार्टरली ईयरली बेस पे। एज वेल अगर बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज यहाँ पर देख लें आफ्टर टैक्स, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो दिखाई दे रहा है वो है 25,11 लाख रुपीज, से पहले 28, इससे पहले 9,77। तो कंपनी ने ईयरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेस की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट थोड़े गिरते हुए नजर आए, तो थोड़ा इस चीज को देखना पड़ेगा। बाकी ईपीएस भी दिखा रहा है 2.90 इस बार है, इससे पहले 3.30 रुपये का था, इससे पहले 1.13 रुपये का ईपीएस था। तो अगर हम बात करते हैं किस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए, तो डिविडेंड तो मोस्टली सारी कंपनी ने दिए, रामको इंडस्ट्री के रिजल्ट इतने खास नहीं थे, थोड़ा इससे दूर बनाए रहे। इसके अलावा रामको सीमेंट के रिजल्ट ठीक ठाक थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फार्मेड्स फार्मास्यूटिकल्स इससे दूर रही है थोड़ा। अगर बात करते हैं यहाँ पर जेके पेपर अच्छे रिजल्ट है, इससे पहले अगर बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री इससे रिजल्ट अच्छे खासे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉलीमेडिक्योर इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। बारबेक्यू नेशन नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है, तो इससे साथ रही है। बालाजी एमाइंस अच्छे रिजल्ट आए हैं, और बात करें तो इंडिया सीमेंट इसके भी रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए। तो इन सारी कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। अगर वीडियो आपको कौन से रिजल्ट अच्छे लगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज अगर बात करें वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और लाइक तो डेफिनेटली करिए, दूसरे लोगों के शेयर भी करिए, और हमारे चैनल बॉइज़ ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।